हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक चैनल। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएनसी मशीनिंग में G02 कोड क्या होता है और G03 कोड क्या होता है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो आइए अब समझते हैं। हम लोग G02 कोड और G03 कोड का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें सर्कुलर प्रोफाइल बनाना रहता है। तो आइए अब हम समझते हैं G02 कोड क्या होता है। G02 कोड होता है सर्कुलर मोमेंट क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा जो टूल होगा वह सर्कुलर पाथ कवर करेगा और सर्कुलर पाथ कवर करने टाइम वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वह कवर करेगा। जैसा कि आप यहाँ आप फिगर में देख भी सकते हैं, सपोज़ करिए ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल बनाया है वह एक क्लॉक है और आप देख सकते हैं कि मैंने वाइट कलर से एक एरो भी बनाया है, वह मैंने उसी डायरेक्शन में बनाया जिस डायरेक्शन में हमारा क्लॉक का जो नीडल है वह रोटेट करता है। यानी कि हमारा जो टूल है वह सर्कुलर पाथ कवर करेगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फ्रेंड्स तो आइए अब समझते हैं कि G02 कोड का राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है। आपको जैसा कि मेरे स्क्रीन पर एक ड्राइंग दिख रहा होगा, मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि G02 कोड का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसे लिखते कैसे हैं। फ्रेंड्स हमें सबसे पहले जो भी लीनियर पाथ कवर करना है G01 कोड के मदद से, उसे हम पहले लिख लेंगे। फ्रेंड्स G01 कोड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, आप चाहे तो उससे रेफरेंस लेकर आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, जो मुझे रेडियस बनाना है वह 5 का है और ये जो रेडियस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है रेडियस, और हमारा जो लेंथ दिया हुआ है वो है 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा 25 mm का डिस्टेंस तक मेरा वो लीनियर पाथ कवर करेगा और बाकी का जो 5 mm बचा हुआ रहेगा उसे वो सर्कुलर पाथ में वह कवर करेगा वो, और जिसका कि रेडियस होगा 5। तो हमें क्या करना है, G01 कोड की मदद से हम सबसे पहले लीनियर प्रोग्राम लिख लेंगे -25 mm लेंथ तक, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है G01 X30 Z -25 और मैंने फिर दे दिया 0.1 और मैंने फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है सर्कुलर पाथ के लिए कोड G02 X50, जैसा कि हमारा जो जॉग है उसका डायमीटर 50 है तो इसलिए मैंने X में 50 लिख दिया है और फिर Z में -30 लिखा है क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो -30 तक है, तो इसलिए मैंने 30 लिख दिया है और मेरा जो रेडियस है वो 5 का है और इसलिए मैंने R5 लिखा है और फिर मैंने फिर लिख दिया है 0.1। हमें G02 कोड में सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है G00 और G01 कोड की तुलना में, वो है कि हमें यहाँ रेडियस डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोफाइल है उसका रेडियस क्या है। जब भी हम लोग रेडियस लिखने जाएंगे वहाँ उस जगह पर कभी भी भूल कर भी हमें डायमीटर नहीं लिखना है, यहाँ पे हमेशा हमें रेडियस ही डिफाइन करना रहता है। फ्रेंड्स तो आइए अब हम समझते हैं कि G03 कोड का मतलब क्या होता है। G03 कोड का होता है मतलब सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा जो टूल है वह सर्कुलर पाथ कवर करेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि आपको मेरे ड्राइंग में दिख रहा होगा। सपोज़ करिए कि G03 के सामने जो आपको एक सर्कल दिख रहा होगा रेड कलर का, समझिए कि वो एक क्लॉक है, तो मैंने जो वाइट कलर से एरो बनाया वो समझिए कि मेरा जो क्लॉक का है वो नीडल है। तो आपको जो नीडल का जो डायरेक्शन दिख रहा होगा वो जो क्लॉक का जो नीडल जो मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, इसी के लिए मैंने यहाँ G03 कोड में लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा जो टूल है वह सर्कुलर पाथ कवर करेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि G03 कोड का राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं। हमें सबसे पहले लिखना है G03 और X में हमें जो जॉब है उसका डाया हमें लिख लेना है कि जो उसका डाया कितना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे ड्राइंग में डाया है 50, तो मैंने लिख लिया X 50.0 और Z में हमें लेंथ लिखना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो रेडियस है वो 5 mm का है, तो इसलिए मैंने Z -5.0 लिखा है। मैंने 5 ही इसलिए लिखा है
60 नहीं इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि हमारा जो सर्कुलर पाथ है वो मेरा जो रेडियस 5 है ना वहीं तक ही वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, उसके बाद उसको लीनियर पाथ कवर करना है तब जाके यह प्रोफाइल जनरेट हो पाएगा। इसी के लिए मैंने Z5.0 लिखा है ना कि 60.0 लिखा है। और फिर मैंने R में रेडियस डिफाइन कर दिया है कितना है, जैसा कि 5 है इसलिए मैंने 5 लिख दिया है। और फिर मैंने फीड लिख दिया है F0.1। फ्रेंड्स अब आपको एक दूसरा ड्राइंग दिख रहा होगा, मैं इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ कि हम G03 कोड और G02 कोड का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसा कि मेरे आपको दिख रहा होगा कि दो ठो जगह में रेडियस हमें बनाना है, एक जगह रेडियस 3 बनाना है, एक जगह हमें रेडियस 4 बनाना है। जहाँ पे रेडियस 4 हमें बनाना है वो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जो रेडियस 3 बनाना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो ड्राइंग देख के आपको समझ में ना आए कि हमें G02 कोड का इस्तेमाल करना है या G03 कोड का इस्तेमाल करना, तो आप क्या करिएगा, रफली एक वहाँ पे एक सर्कल बना के आप देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने प्रीवियसली अभी बनाया था वैसे ही आप बना के देख लीजिएगा और अज्यूम कर लीजिएगा कि वो G02 से बनेगा या G03 से बनेगा। पर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि G02 कहाँ पर इस्तेमाल होगा, G03 कहाँ पर इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं कि अब हम इसे कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा G02 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जहाँ पर रेडियस 4 लिखा हुआ है हम उसे इस्तेमाल करेंगे ऐसे G02। और X में हम क्या करेंगे, जो मेरा डाया है वो हम लिख लेंगे X18। और फिर Z में क्या करेंगे, जो लेंथ है वो हम लिख लेंगे, जैसा कि हमारा लेंथ है Z-14। मैंने लेंथ 14 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जो लीनियर पाथ है वो मेरा 10 mm का डिस्टेंस तक है, और फिर उसके बाद जो मेरा रेडियस है वो मेरा 4 mm का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ओरिजिन से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा 14 है, तो इसलिए मैंने जेड में -14 लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रेडियस डिफाइन कर दिया है इतना का भी मेरा रेडियस है, मैंने रेडियस 4.0 लिख दिया। फिर उसके बाद आइए देखते हैं एक और मेरा रेडियस प्रोफाइल है, तो उसे समझते हैं कि हम उसे कैसे लिखेंगे। तो ये जो मेरा जो प्रोफाइल है R3 वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मैंने G03 कोड का इस्तेमाल किया है। और मैंने X में डाया लिख दिया है कि उस जगह का मेरा डायमीटर कितना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 24, इसलिए मैंने लिख दिया 24। और फिर मैंने Z में 22 लिख दिया, जैसा कि यहाँ पे लेंथ आपको दिख रहा होगा 19। और फिर +3 मैंने इसलिए ऐड किया है कि मेरा जो रेडियस है वो मेरा 3 का है, तो इसलिए मैंने Z में -22 लिख दिया है क्योंकि मेरा ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस 22 होगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे 19 + 3 = 22, तो इसलिए मैंने 22 लिख दिया है। और फिर मैंने वहाँ का रेडियस डिफाइन कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे वहाँ का रेडियस 3 है, तो मैंने लिख दिया R3.0। फ्रेंड्स मैंने आपको G02 कोड और G03 कोड के बारे में सब कुछ बता दिया जितना मैं आपको बता सकता था, G02 कोड और G03 कोड क्या होता है, तो राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है, और मैंने एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको बता दिया कि आप कैसे उसे बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।